वंदे मातरम आप सभी को। आज हम पढ़ते हैं नॉन इंटीजर। प्रीवियस क्लास में हमने देखा है कि जो इंटीजर होते हैं बच्चों, क्या होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर का मिश्रण होता है, इंक्लूड होता है नेगेटिव पॉजिटिव नंबर का। इसे नंबर लाइन पे हम इसको बखूबी समझ सकते हैं। यहाँ पे कहीं माइनस इन्फिनिटी होगा और यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी होता है, और बच्चों बीच में कहीं जीरो होते हैं, इधर होते हैं नेगेटिव नंबर्स, ठीक है जी। और बच्चों और ठीक इसके अपोजिट नेचर का इधर होता है पॉजिटिव नंबर। इंटीजर्स को समझ के ही हम नॉन इंटीजर को समझ सकते हैं। पूर्णांक जिसे हम कहते हैं, पूर्णांक जो बच्चों यही होता है, और जब हम इसको नंबर लाइन को प्रॉपर ड्रॉ करेंगे, इधर कहीं हुआ नंबर्स इस लाइन पे ड्रॉ होते रहते हैं, ठीक है जी, थ्री एंड सो ऑन, इधर हो जाएगा माइनस वन माइनस टू। ये बात आपको समझ में आती है, ये हुआ हमारा इंटीजर्स। नॉन इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स के अलावा जो भी संख्याएं होती हैं वो नॉन इंटीजर होती है। वो हम फोकस करेंगे, अटेंशन देंगे, इसके अलावा कौन सी संख्या होती है। तो आपको सर सर वो फ्रैक्शन वाली संख्या पी बाई क्यू के रूप में, बात तो सही है, पी बाई क्यू जहाँ पे क्यू जीरो नहीं है। इसे एग्जाम्पल से समझेंगे। लेट अस सपोज एक फ्रैक्शन दिया है 5/7। अब देखिए यह क्या है, रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। तो बच्चों ये हमारा जो आंसर दिख रहा है वो हो गया नॉन इंटीजर्स का, ठीक है। अब इसी फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई जब करते हैं इसका कुछ रिजल्ट आता है, तो वो रिजल्ट क्या आएगा अगर हम इसको सॉल्व करें, कुछ इस तरीके रिजल्ट आएंगे। तो हम यहाँ से एक चीज़ कंक्लूड कर पा रहे हैं, क्या देख रहे हैं, जो भी संख्याएं फ्रैक्शन या डेसिमल के रूप में लिखी जाएंगी वो क्या होंगी, वो होंगी आपकी नॉन इंटीजर। ये पॉइंट सेवन है तो कहीं यहीं पर होगी। तो डेसिमल संख्याएं, दशमलव वाली संख्याएं इनके बीच में होंगी। एक बात तय है, जो भी संख्याएं दशमलव वाली होंगी वो कन्फर्म नॉन इंटीजर होंगे। तो क्या यह बताइए, ये फाइव फाइव भी क्या नॉन इंटीजर है। ध्यान से देखिए, फाइव कभी भी नॉन इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर है। देखिए यहाँ यहाँ पे या फाइव या प्लस फाइव। चलिए ये मैंने इसलिए लिया, कुछ लोग कंफ्यूजन कर सकते हैं या फिर क्लेम करेंगे कि सर सारी रेशनल नंबर क्या नॉन इंटीजर होगी। देखिए आपको समझिए, रेशनल नंबर का क्षेत्र बहुत व्यापक है। रेशनल नंबर में आप देखे होंगे इसमें क्या क्या संख्याएं हो सकती है, परिमेय संख्या में क्या क्या संख्याएं होती हैं। चलिए याद कीजिए, सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे इसमें नेचुरल नंबर का समावेशन होता है, नेचुरल नंबर होगा, ठीक है, प्राकृतिक संख्या जिसे कहते हैं। दूसरा इसमें होल नंबर होता है, आप यहाँ से देख रहे हैं। और तीसरा होता है इंटीजर्स, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ खास बात होती है, पी बाई क्यू, पी बाई क्यू, पी बाई क्यू के कुछ फार्मेट, बहुत सारे फॉर्मेट, कुछ ही नहीं बहुत सारे फॉर्मेट डेसिमल के रूप में आते हैं, दशमलव के ऊपर में आएंगे। तो डेसिमलों वाली जो भी संख्याएं बन रही, डेसिमल नंबर वाली जो भी संख्याएं हैं वो सारी की सारी किसमें आएंगी, सारी सारी संख्या किसमें आएंगी, इसमें आएंगी, नॉन इंटीजर्स में आएंगी। और जो भी एग्जैक्ट इंटीजर्स का रूप बनती हैं, फाइव सेवन एट इस तरह की संख्या, ये सारी किसमें आएंगी, ये इंटीजर में आएंगी, ठीक है जी। और ऐसा भी कह सकते हो, इंटीजर वाली संख्याओं के बीच में जो भी गैप है कहीं पे भी, इसके बीच में बहुत सारी नॉन इंटीजर्स आएंगे। तो आपको सामने एक क्वेश्चन रखता हूँ, क्या आप बताइए नॉन इंटीजर्स भी रियल नंबर होगी। इसको अगले क्लास में देखें।